आसपास की गॉसिप से लेकर चाय की चुस्की तक, लोगों को चाय बहुत पसंद आता है। यूँ तो सबको ही घर पे चाय पीते हैं, बट चाय जो बाहर पीने का मज़ा है, और स्पेशली मुरादाबादी में। और आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ की चाय में ऐसा सबसे ज़्यादा खास क्या है जो लोगों को यहाँ मुरादाबादी आकर यहाँ इनकी चाय पीने में बहुत मज़ा आता है। तो आइए कुछ लोगों से यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे कितनी तरह की चाय मिलती है और कितने सारे अलग अलग फ्लेवर हैं जिसको पीने के लिए रोज़ अक्सर यहाँ दोस्तों के साथ या फिर ऑफिस के बाद आया करते हैं। चाय मेरा पहला प्यार है, और जब मैंने यहाँ पिया तो वो पहला प्यार छूट गया, ये हो गया पहला प्यार। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ ना, तो वाइफ के साथ ही आता हूँ। मतलब स्पेशली मैं मॉर्निंग होती है, ब्रश करता हूँ, सबसे पहले चाय। बेसिकली जैसे घर में हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है, वो टेस्ट नहीं आता जो इन लोगों का टेस्ट होता है। वैसे कहीं और का ट्राई नहीं किया, बट यहाँ आते तो अच्छा लगता है, हम कभी कभी खाते हैं। चलिए जीजू, रोज हमें एक बार चाय की चुस्की पिला दीजिए। नमस्कार, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस को। तो जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ मोराबादी के एक विकी टी शॉप में, जहाँ की चाय सबसे फेमस है और अक्सर लोग यहाँ चाय पीना पसंद करते हैं। और यहाँ पे एक ही चाय नहीं, बहुत तरह तरह की चाय बेची जाती है, जिसका स्वाद लोगों को बहुत ज़्यादा ही भा रहा है। यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि हम कहीं भी चाय पीने जाते हैं तो बहुत सिंपल चाय, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ फ्लेवर्स के चाय है। बट यहाँ पे सबसे खास बात एक और है कि यहाँ पे हमें चॉकलेट चाय पीने को मिलती है। जानते हैं यहाँ पे और भी लोग, बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के बाद चाय पीने आए हैं या फिर अपने काम के बाद। तो आइए जानते हैं इनसे कि इन्हें कितना मजा आता है और कितना ज्यादा इन्हें यहाँ की चाय पसंद है। सर, आप चाय पी रहे हैं, आप अक्सर यहाँ आया करते हैं? मेरा पर डे का है। तो आपको यहाँ के चाय में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? हमको यहाँ का टेस्ट सबसे ज्यादा पसंद है। मैं रांची में लमसम 15 से 20 जगह चाय पी चुका हूँ, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। रांची के कोई भी एरिया में जाता हूँ तो चाय, मतलब स्पेशली मैं मॉर्निंग होती है, ब्रश करता हूँ, सबसे पहले चाय मैं रहता हूँ, वहाँ पे भी चाय टपरी करके है, वहाँ पीता हूँ। चाय मुझे इतना पसंद है कि शाम में मैं पर डे आता हूँ, यहीं पे खड़ा होकर यहीं इसका चाय पीता हूँ। पर डे का मेरा ही यहाँ का चाय सबसे ज़्यादा बेस्ट है मोराबादी में, इसलिए जब भी आता हूँ यहीं की चाय पीता हूँ। तो देखा आपने, इन्होंने भी ये बात बताया कि चाय सुबह लोगों को, ये लोगों में अक्सर ही देखा जाता है कि लोगों को चाय सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो सुबह भी लोग, शाम में भी लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि यहाँ की चाय सबसे ज़्यादा फेमस है, जिस वजह से ये अक्सर यहाँ पर आना पसंद करते हैं। आइए हम जानते हैं और भी लोगों से। सर, आप यहाँ अक्सर चाय पीने आते हैं? जी, डेली आता हूँ। बेसिकली जैसे घर में हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है, वो टेस्ट नहीं आता जो इन लोगों का टेस्ट होता है, और खासकर यहाँ तो बहुत लोग बनाने लगे हैं, लेकिन इनका, इस लड़के का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ऐसे तो होता है ना कि हम लोग चाय पीते पीते बहुत सारी बातें करना भी पसंद करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ ना, तो वाइफ के साथ ही आता हूँ। तो उनसे भी तो बातें होती है? हाँ, उनसे बात होती है, वहाँ है खड़ी। जी, तो यहाँ का टेस्ट आपको सबसे बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी और कोई अलग तरह का भी चाय यहाँ पे टेस्ट किया? हाँ, नहीं नहीं, बहुत तरह के फ्लेवर। जी जी जी, जैसे फ्लेवर है, लेकिन क्या होता है ना, जो एक्चुअल टेस्ट है उसका अलग मजा है। बाकी ये आप देखिए, ये तो घर में भी आप डाल सकते हैं, ये हर्सलेस का आता है, ये घर में भी डालिएगा तो चॉकलेटी और ये वो आ जाता है, लेकिन जो एक्चुअल टेस्ट है चाय का, वो इनका टेस्ट। वैसे कहीं और का ट्राई नहीं किया, बट यहाँ आते तो अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे कौन सा चाय पीना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? चॉकलेट वाला। आप यहाँ कब से चाय पी रहे हैं? हम कभी कभी आते हैं पीने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा चाय में क्या अच्छा लगता है जो आप इस स्टॉल पे आते हैं? मैं कूलर पीता हूँ, आता हूँ, मगर आज पहली बार जो कूलर में जो डब्बे होते हैं ना, वो पहली बार पी रहा हूँ। तो आपको उसका टेस्ट कैसा? थोड़ा उससे थोड़ा अलग लगा, बड़ा अच्छा लगा था, सुना था मैंने, इसको कभी पिया इसलिए। आप यहाँ चाय पीने आए थे, तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है जो आप यहाँ पे चाय पीने आते हैं? देखिए, ऑफिस की ड्यूटी के बाद हम लोगों को काफी थकान हो जाती है, जिसके कारण रोज रोज हम लोग परिवार के साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, और ये खास करके मोराबादी का जो ये विकी स्मोक टी है, हाँ यहाँ पर हम लोग काफ़ी दिन से पीते आए हैं। अभी हमारी साली साहिबा भी आई हुई हैं, तो उनको भी मैंने एक दिन पिलाया तो उन्होंने भी जिद किया कि चलिए जीजू रोज़ हमें एक बार चाय की चुस्की पिला दीजिए। तो अभी उसकी ट्रेन है, फिर भी मैं उसको लेके आया हूँ ये घुमाने के लिए। बताया सर ने अभी कि आप उतने दूर से आई है, पर आप एक बार यहाँ चाय पीने आई थी तो आपको यहाँ का चाय का टेस्ट इतना अच्छा लगा कि आप अक्सर आना पसंद करती है, तो इसका क्या खास बात है? क्योंकि चाय, एक तो चाय मेरा पहला प्यार है, और जब मैंने यहाँ पिया तो वो पहला प्यार छूट गया, ये हो गया पहला प्यार जी। इसलिए यहाँ की चाय का टेस्ट जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है। कौन सा चाय ट्राई किया था? प्लेन चाय, चाय इज ओनली चाय, फ्लेवर्स काफी अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन मुझे सिर्फ चाय चाहिए। चाय के टेस्ट को कोई भी टेस्ट रिप्लेस नहीं कर सकता जी। तो इसका टेस्ट आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बेस्ट था। मुझे लगता है अब तक जितना चाय मैंने पिया है उसमें सबसे बेस्ट। अभी हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये कितने समय से चाय लगा रहे हैं, और यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग हैं, किस एज के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाय पीने आना पसंद करते हैं, और इनके चाय में ऐसी क्या खास बात है, ये चाय में ऐसा क्या डालते हैं जिसकी वजह से इनका चाय इतना ज़्यादा बिकता है। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? बंधन महले। तो आप हमको ये बताइए कि आप कितने समय से जो ये चाय का स्टॉल है वो लगा रहे हैं? 5-6 साल से लगा रहे हैं। 5-6 साल से लगा रहे हैं। तो हमने अभी कुछ लोगों से भी सुना कि यहाँ का चाय जो है वो सबसे ज्यादा उनको पसंद आता है, तो आप किस तरीके से चाय बनाते हैं, यहाँ पे सबसे खास बात क्या है चाय में जो लोगों को इतना ज्यादा भा रहा है? चाय में देखिए सबसे बड़ा है कि प्योर दूध रहता है जी, और उसमें बहुत सारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है उसको मिलाते हैं। अच्छा। और उसके बाद चाय बनाते हैं, तो इसलिए टेस्ट अच्छा लगता है। आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा भीड़ किस वक्त होती है, या किस समय लोग ज़्यादा आना पसंद करते हैं? ऐसे तो लोग दिन भर आते हैं, लेकिन 5 से जो 8 का बीच होता है समय जी, उसमें काफ़ी भीड़ होता है। तो किस तरह के लोगों को आप यहाँ देखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑफिस के कुछ लोग हैं, सबको एक को चाय बहुत पसंद आता है, तो किस टाइम पे, या फिर आपने कभी ऐसा सुना है कि लोगों के बीच में क्या बातें हो रही हैं जब आप चाय बना रहे हो, या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, इसमें सब तरह के लोग आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं और ऑफिस के लोग भी आते हैं और फैमिली वाले भी आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं। तो और आप हमको एक चीज़ बताइए कि सबसे ज़्यादा आपके दुकान में जो आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के चाय रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी चाय लोग पीना पसंद करते हैं? तंदूर का चॉकलेट चाय सबसे ज़्यादा पीते हैं लोग जी। और उसका क्या यहाँ का प्राइस है? मात्र 20 रुपया। और यहाँ पे जिस तरीके से लोगों को हम भी देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर कर भी लोग यहाँ पे चाय पीना खड़े होकर पसंद कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों के पास समय का कमी रहता है, इसलिए रेस्टोरेंट वगैरह या फिर कोई मतलब कोई फेमस जगह नहीं जा पाते हैं, और समय कम होने की वजह से लोग स्ट्रीट पे जहाँ पे अच्छा चाय मिलता है वहाँ पे लोग पीना पसंद कर रहे हैं। तो आपका एक दिन में कितनी चाय बिक जाती है, कितना इनकम आपका एक दिन में हो जाता है? लगभग मतलब 1000-2000 कप बिकता है एक दिन में। हाँ। तो देखा आपने कि इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस जो तंदूर की चाय है, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कुल्हड़ को जो सेका जा रहा है, इसमें चाय को बनाया जाता है और फिर इसमें सर्व किया जाता है, ये लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये बहुत यूनिक तरह से दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल हम कहीं भी चाय पीने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ चाय मिल रहा है, या फिर कुल्हड़ की चाय भी बहुत जगह मोराबादी में मिलती है, पर यहाँ की चाय तंदूर की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है। और इन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पे शाम के वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, और सभी तरह के लोग यहाँ पर आकर चाय पीना पसंद करते हैं। और सब ने यही कहा कि यहाँ की जो तंदूर चॉकलेट चाय है वो सबसे ज़्यादा टेस्टी है,
तो इसी बात से ये भी सामने आता है कि यहाँ पे पहले ऐसा माना जाता था कि बूढ़े बुजुर्ग अक्सर चाय पीना पसंद करते हैं, पर हमने यहाँ पे देखा और अक्सर ही लोग अब चाय का जो स्टेटस है वो पूरा ही चेंज हो गया है और अब यहाँ पे हर वर्ग के लोग चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या ऑफिस से निकल के चाय पीते हैं। तो इससे आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितनी खास बात है कि लोगों को चाय कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है। हृदय के साथ न्यूज़ बाइस्कोप से मैं कंचन।